जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों, एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है, और हमारे पास रोड मैप भी है। साथियों, एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला, हम लोगों ने काम किया है। उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। आए दिन घोटाले, यही पहचान रही है। और नाम बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुला है, उनको नकारा है। और मैं कह सकता हूं साथियों, इंडी अलायंस वालों ने एक व्यक्ति का अपोज करने के 1 पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ऑपोजिशन में बिठा दिया है। एनडीए विकसित भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाव में गया था, देश के लिए सकारात्मक सोच को लेकर के गया था, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य को समझ करके नए अवसरों को लेकर के देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था। जबकि हमारे सामने जो लोग थे, वो भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, यही गुमराह करने वाले काम यही करते रहे थे। अब एनडीए और उनका देखें, इवन नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार, उनका नामांकन, हम लोगों का एक एक दृश्य देख लीजिए और उनका एक एक दृश्य देखिए, कितना बड़ा अंतर है। हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में चुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा हुआ शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना, 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना, ये कैरेक्टर था। साथियों, ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं, और आप देखिए चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे, 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी
तो वो बेचारा सामान्य नागरिक के मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है। साथियों, हमारे लिए संतोष की बात है कि हम एक कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। 10 साल में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है।